नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सदाशिवं सर्वव्यापकचित्तरूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। नमो आचार्य कुंदकुंदी विरचित प्रवचन सार परमानव गाथा नंबर 172 अरस मरु मगंधम अबत्तम चीर्णा गुण वसिद्धम ज्ञान कलिंग ग्रहणम जीव मंजित संतानम। आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है और आत्मा के जाने बिना सुख की कल्पना मिथ्या है और आत्मा को ग्रहण करने का उपाय भी एक ही है, दो नहीं। मति व्यवस्थित वाली गाथा में आचार्य देव ने क्या लिखा, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। इसी मार्ग से भगवंतों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, इसी मार्ग के द्वारा मुक्ति को जा रहे हैं, इसी मार्ग के द्वारा मुक्ति को जाएंगे। तीन काल में एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं। तो ये आत्मा को ग्रहण करो कैसे, कैसा ग्रहण करें? आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। कैसा स्वभाव है? न तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने का उसका स्वभाव है और न इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने का स्वभाव। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से विरत हो, पांच इंद्रिय और मन से अपनी बुद्धि को समेट कर, माने इनके द्वारा फैलती है बाहर। कोई दृष्टांत पहले पढ़ा था, वो टंकी के बाहर के जो नल हैं वो पानी को बर्बाद करने के लिए, भरने वाली वो अलग व्यवस्था है। इंद्रियों से ज्ञान बर्बाद होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है, प्रकट नहीं होता। आप समझते हो, आंख से देखते हैं हम, आंख से जो ज्ञान है वो बर्बाद होता है। आंख से जिसे देखती हो व्यवहार न से एकदम स्थूल, वह है क्या जी बताओ? कोई रूप होगा, जड़ का रूप होगा, भिन्न रूप होगा। अब वहां मोह राग द्वेष करोगे तो क्या होगा? दुखी होगे। कान से जो सुनते हो आप, क्या सुनते हो? बाहर के शब्दों को सुनोगे? क्या हम जिनवाणी सुन रहे? अरे जिनवाणी को भी विषय मत बना लो। कितने ही जीव ऐसे हैं बेचारे, पूजा भक्ति को, जिनवाणी को, वो उसको भी इंद्री का विषय बना लेती। मजा आ गया, आनंद आ गया। वो भाई आया, बोले साहब से इतने विधान करना है, उन्हें कर लो।
कितने खर्चे हो जाए, जितने करो उतने। शिक्षक विधान के लिए खर्च की जरूरत नहीं। अरे हमारे पूज भी करा गए और पूज आप भी विकराग हो जा, अब खर्च की क्या जरूरत हो जाए। बैठ जाओ और शिक्षक विधान करो, भगवान सिद्ध भगवान की किया था। खर्चा तो तुम्हें करना है, 10 विद्वान बुलाओ, 10 पार्टी बुलाओ, 10 बैंड बुलाओ, 10 लाइट लगाओ, फलाना लगाओ, इसमें ये करो ये करो। अब खर्च तो बाकी लगेंगे, जितना खर्च कर लो उसमें क्या करेंगे, हम क्या करें। सबको 1,00,000 रुपये दे दो, दे दो, हम क्या करें। शिक्षक विधान के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है, उपयोग समेटने की जरूरत है। और ये सब इकट्ठा करने के बाद भी अगर आपने उपयोग अपना नहीं लगाया सिद्ध भगवान की ओर, तो शिक्षक विधान से तुम्हें क्या लाभ होगा, ये तो बता। मुंडराज पद्म परमलधारी देव कहते हैं, हे भाई तुझे कामनी की शरीर भूति याद आती है तो मेरी बचनों से क्या लाभ होगा, सुनेगा तो समझेगा नहीं, समझ में ही नहीं आ। हम देखते हैं कोई खेद नहीं है, हम समझते हैं संसार का स्वरूप ही है, कोई बात नहीं है इसमें। आराम से सुनते रहते हैं और ऐसे सुनते हैं मानो कुछ कह नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं है। ठीक है, सुनने के बाद भी जो करना है सो करना है, जिसने जो ठान ली उसने ठान ली। भैया सुन रहे हैं तो किसी बात सच्ची है कि झूठी है पहले ये बताओ। अपना कोई स्वार्थ है कि तुम्हारा हित है ये सोचो। भाई सुन करके इतनी बातों को सुनकर कुछ मेरा हित हो सो करना, ये है श्रोता का लक्षण। ये लक्षण नहीं है, तुम कहते या सुनते आएंगे हम अपने, और जो हमें करना है तो करेंगे। हम तो धर्म इसी में मानेंगे, आप कुछ भी कहो हम तो आपका ही चमत्कार मानेंगे जो कोड़ मिट गया। हम तो आपका ही प्रभाव मानेंगे, आपको ही कर्ता मानेंगे। अरे नहीं है भैया, नहीं है। एक बात हम कह रहे हैं यहां से, देखो धर्म क्षेत्र पर आकर के जिनवाणी सुन करके भी अगर अपन प्रसन्न और निश्चिंत नहीं हो पाए तो कहीं नहीं हो पाए। हमारे घर के चौके चले गए तो निश्चिंत होना खत्म हो गया। पूर्व तैयारी कर लेती थी, पानी रख लो, ये रख लो, और बस अब बैठ करके भोजन करो, अब पानी लाना, ये करना, करते आ रहे हो, मांगते आ रहे हो, चलते आ रहे हो, करते आ रहे हो, होते आ रहा है। हम आपसे फिर कहते हैं, बार बार कहते हैं, देखो अगर आप 1,00,000 दान करते हो तो 1,25,00,000 दान करो। अगर आप 1,00,000 दान करते हो तो 1,25,00,000 दान करो, 1,90,000 दान करने की जरूरत नहीं है। हम कब कहते हैं, हम तो ये कहते हैं यहां से बचेगा पाप में लगेगा, कहते हैं कि नहीं कहते बोलो, यहां से बचेगा वो पाप में लगेगा। लेकिन दान करने की विधि ये है, आपके व्यापार की जो आमदनी है उसका एक हिस्सा अलग कर दो, इसको हमको लगाना है। कोई कहे तो, नहीं कहे तो, ये हमें लगने लगा, ये हमारी ओर से कर लो। हम ये अपने उपयोग को लगाना सीखो। हम ये थोड़ी कह रहे दान मत करो फिर कैसे चलेगी व्यवस्था, फिर क्या होगा। अरे काय को लगी हो इन बातों को, अनादिकाल से संसार चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा।
नेहरू जी के जमाने में भी सोचते थे उसके बाद क्या होगा, इंदिरा के बाद भी सोचते थे अब क्या होगा, उनके बाद भी सोचते थे क्या होगा। अरे कोई को पता तो ये आएगा, कोई को पता था ये आएगा। अब बीच में उतार चढ़ाव आते रहते, होता रहता, कोई बात नहीं। एक जगह एक आश्रम था, बंद पड़ा 20 साल बाद, किसी को उपयोग आ गया, शिकार को बंद पड़ा हुआ, तो कह संभाल ले, तुम संभाल ले, उसके मन में आ गया, उसने संभाल लिया और चालू हो गए, 20 साल बंद बना रहा। और एक बात फिर कह, दोबारा फिर कह दें, देखो धर्मकार धर्म बुद्धि से चलते हैं, धर्मकार धर्म बुद्धि से चलते हैं, ये धर्म बुद्धि है। जितना आप कमाते हो कोई मांगे थे, गिन गिन करके तिजोरी में मत रखते जाओ, गिन गिन करके बैंक मत करो, एक हिस्सा अलग करो उसको धर्मादा। कल आप क्या सुना रहे थे, वो कितना धर्मादा निकालते हैं, एक साल 180 करोड़, बताओ 180 करोड़ का धर्मादा निकालते हैं, 20,000 आदमियों को रोज भोजन कराते हैं, और आयोजनों के समय में 1-1 लाख हो जा, और कछ नहीं। उनसे कहो राष्ट्रपति बन जा, बोले राष्ट्रपति बनकर क्या करेंगे, राष्ट्रपति 5 साल का होता है, हमारी ये पूरा जीवन भर की है। मतलब आप लोगों ने धर्मादा निकालना अलग कर कम ये गड़बड़ कर दी, मांगो तो दें, हमसे कह चुका है कोई, सच कह रहे हैं। एक आदमी आया, बड़ा आदमी आया, आप तो पैसा वाले को बड़ा कहते हो, हम तो आचरण वाले को बड़ा कहेंगे, ज्ञान कहे नर वे ही बड़े, मिथ्यास तजे जिन मारग ध्यावे। आया तो 3 दिन हो गए, अब वो देख रहा है यहाँ कोई कचुका ही नहीं, रोदान की पुण्य की कचुकाओगी काम कर गई। तो एक छत पड़ी थी, बोली भाई ये छत काहे को पड़ी है, बोले कारीगर चला गया इसलिए, और कोई बात नहीं। अब बड़ी आफत उसकी, वो सोचे हमसे कुछ करें तो हमसे आगे पीछे फिरे, हमने कुछ करें। अब वहां तो भैया स्वाध्याय सुनो और काम कर, पड़ोस के आ गए, उन्हें हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, उन्हें शिलान्यास कर, उन्हें कमल धरिया, उन्हें फला न कर दे, वहां तो 2,500 देगा, वहां 7,000 देगा। पुरानी बात है, किसका कहाँ कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इस बात पर भरोसा रखो, भगवान के ज्ञान पर। करोड़पति जीर्णोद्धार न कर पाए और पिसनहारी मंदिर बनवा दे, ये कोई बात थोड़ी है। करोड़पति जीर्णोद्धार न कर पाए और पिसनहारी मंदिर बनवा दे, और इसकी स्मृति के लिए चकिया के आकार का मंदिर बना दिया है, के मंदिर पीस पीस करके बना, किसान हारी का की मड़िया, हे भगवान। माने इन बातों को सोच करके देख करके आपका श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए, आपको दैन्य भाव छोड़ देना चाहिए, चिंता छोड़ देना चाहिए, फिर देखो क्या हो। कभी कभी गांव में पुराने लोग कह देते थे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने पर भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिल रहे। वो याचक मंदाज को देख करके सोचने लगा, हमारे पास फटे कपड़े तो भी हैं, कल के लिए आधी रोटी तो अभी रखी है सवेरे के लिए, कल की आधी रोटी रखी आज सवेरे के लिए, और जी तो इन पर एक कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, हैं इन्हें भोजन कौन करेगा, कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे। उन्हें सोचा चलो जाई में से अपने में से गहरी तो रखी है, सो कहा अपना कब बिगाड़ फिर मांग लेंगे। तो या क्या भिकारी, बाबा जी
अब बिकाय को आए, बिकाय को सुने ऐसे आते हैं, वो तो अपनी चरिया के लिए जा रहे। सोचने लगा कि कछु गर्मी तो नहीं चढ़ गई। अरे गर्मी चढ़ गई है क्यों, गर्मी उतर गई, कुछ सोचना चाहिए। उसको भरी होनार की समय आ गया था, तो कौतूहल जग गया, इनके संग चले देखें तो ये कहाँ जाते हैं और इनको भोजन कौन कराता है। गया नगर पास में था, नगर में पहुंचे तो बे सेठ और बे राजा और बे हे स्वामी अत्र अत्र, और उनकी कोई विधि ऐसी थी जो नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे देखो चल रहे कहा जी काय को चल दिए थे। आदमी भोजन करने के लिए तरसत है और जी इनको भोजन कराने वाले तरस रहे। चलता चलता एक दिन एक जगह विधि मिल गई, बड़े आनंद से आहार हो गए और आहार की खुशी में उसे एक ने कहा तू भी भोजन कर दे। उसने कहा रे हम समझे थे इन पर कछु नहीं है, इनका तो बड़ा प्रभाव है, ये तो कोई महात्मा है। चल दिया लौट करके पहुंचा है महाराज, जब पहुंचे महाराज तो हम आपके संग रहने लगे। मैंने भोजन के लिए संग रहने लगे। बोले भैया संग रहने लगो कोई बात नहीं, महाराज ने अपने ज्ञान से जान दिया ये भव्य है, संग रहने लगो लेकिन भोजन के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो अब कहां सोए, अब कहां बैठे, कहां उठे, जो हम कर रहे तो तुम करो। आपके हॉल में कमी पड़ सकती है जगह की, बहुत लोग आ जाए, लेकिन मुंडाज के यहां तो कहीं कभी कमी नहीं है। तुम्हें जी कहता ठाड़े हो जा हम का कहें, यहां दी कहता बैठ जा हम का कहें, जमीन मिले जमीन, पत्थरा मिले पत्थर, जो मिल जाए तुम्हें बैठ जा हम क्या कहें, कपड़े मेले आएंगे तो जा बर हम का कहें। कितनी निष्प्रहता, कितनी प्रभुता, ये प्रभुता का मार्ग है, पामरता का मार्ग नहीं। अरे चक्रवर्ती भगवान के मुंडाज को दान देने के लिए खड़ा उस समय अपने सेवकों से कहने लगा, ए भैया इस समय कोई स्वामी शब्द का प्रयोग मत कर देना हमारे लिए, इस समय तो मैं एक सामान्य श्रावक की तरह खड़ा हूँ, हमारे स्वामी ये हैं, स्वामी आ रहे हैं, हम नहीं किसी के स्वामी, होगा सिंहासन पर बैठा हुआ चक्रवर्ती तुम्हारा स्वामी, इस समय नहीं है, इस समय तुम सेठ नहीं हो, हो गए इस समय तो जिज्ञासु बन करके बैठना। अरे कपड़े ही नहीं बदलना, दृष्टि बदलना, चिंतन बदलना, उपयोग बदलना, केवल कपड़े बदलने से काम तो नहीं चलेगा, स्थान बदलने से काम तो नहीं चलेगा, शब्द बदलने से काम तो नहीं चलेगा, दृष्टि बदलो, चिंतन बदलो, उपयोग बदलो, आनंद का कारण बन जाएगा। निश्चिंत रहो, भगवान के ज्ञान में झलका है सारा लोका लोक। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन होना है वह निश्चित है, है है है, उसे तुम बदल नहीं पाओगे। अगर मरणासन्न अवस्था हो, अंतिम समय भी आया है, तो चिंता मत करना इस संस्था का क्या होगा, अपने चिंतन में मग्न होकर के चले जाना, इसका क्या होगा, हमारे बिना वही काम रुकेंगे जो हम कर रहे होंगे, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो हमारे बिना क्या रुकेगा ये बता, और नहीं तो कुमरण हो जाएगा। जैसे किसी गृहस्थ को परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, लड़के की चिंता, लड़की की चिंता हो जाए तो कुमरण हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही तुम्हें अगर यहां चिंता हो गई क्या करेंगे, क्या होगा, ये लड़की तो मंदिर भी नहीं आती, ये तो इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ये आगे क्या करेंगे, अरे सब सीख जाएंगे तो मैं भी क्या आता था, और आज भी क्या आता है,
आता था उसकी बात को छोड़ो, आज भी क्या आता है? जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना? आज भी मत सोच लेना हमें बहुत आता है, हम बहुत जानते हैं। जो जानते हैं वह उपाधि नहीं है, जो उपाधि है उसे जानो। आत्मा इंद्रिय ज्ञानमय है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान को बाहर में मत फैलाते रहना। ये परिग्रह का विस्तार है, एक तरह का ये परिग्रह का विस्तार है। आपको मालूम है परिग्रह नाम की कोई चीज नहीं है। विश्व में स्व और पर दो चीजें हैं, परिग्रह नाम की चीज नहीं। जब पर समन्तात् ग्रहणम परिग्रहम, जब पर वस्तु को सर्व प्रकार से ग्रहण कर लेता है, माने उसे अपना मान लेता है, तो वो परिग्रह संज्ञा पड़ जाती है। जब कन्या उस राजा को वरण कर लेती है तो रानी कहलाती है। रानी अलग से थोड़ी होती है। यदि वो कदाचित राग में फंस करके भिखारी को वरण कर ले तो भिखारिणी कहलाएगी। अगर तुम फुदगल को वर्णन करो, वर्णन करोगे, उसको अपना मानोगे तो क्या हो? परिग्रही हो गई। कल चर्चा चली थी, परिग्रह अगर मेरा बने तो मैं अजीव बनू। अरे मैं नियम से ज्ञाता इसे नहीं परिग्रह, मैं अजीव हो जाऊंगा। देव को अपना जानने वाला ज्ञान मिथ्या है, देव को अपना मानने वाली श्रद्धा मिथ्या है। देव को अपना जान मान करके जितने विकल्प होते हैं देह संबंधी भी सब मिथ्या है। कब का होगो, बहुत दर्द हो रहा है, कल का होगो, सभी पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, ये सारे विकल्प मिथ्या है। आज रोटी खा ली, अब कल का होगो, मिथ्या है विकल्प। तुम्हारे घर की बनी हुई रोटी कौन खाएगा, ये भी भगवान के ज्ञान में है, और तुम कहां रोटी खाओगे ये भी भगवान के ज्ञान में। कैसी बातें सोचते हो? घर पर भोजन बनवाया और आपने कहा जरा हम जा रहे हैं ना, और वो मित्र मिल गया, चलो चलो आज तो घर बना, और जब उन्हें पकड़ ले गया वहां भोजन आपने कर दिया, और वो भोजन वहां कोई मेहमान आ गया उसने कर दिया, अब बताओ क्या कर। अरे ये तो बिल्कुल सामान्य बातें हैं, होती हैं ऐसी कि नहीं होती। तुम्हारी कहानी में है कि नहीं? कब पंडित जी सेठ जी के घर भोजन करने बैठ जाते थे, और कब सेठ जी पंडित जी के घर भोजन करने, पता ही नहीं पड़ता। ये क्या कह तो देते, अब कह देते पहले से मालूम होता तब ना। संग संग स्वाध्याय किया, चलो भोजन कर लो, आज घर ही कर लो, आज तो घर ही कर लो, घर कर लो। सतगुरु कहे सहज का धंधा, बाद विवाद कहे सो अंधा, तर्क कुतर्क करे सो अंधा। इसमें कोई ऐसा क्यों हो गया? अरे हो गया, गया क्यों हो गया ये मत सोचो। उस वस्तु का परिणमन था सो हो गया। इंद्री ज्ञान के द्वारा फैलाओ मत फैलाओ। इंद्री ज्ञान का विस्तार संसार का विस्तार है। और भी और भी और भी वो पेड़ दिख रहा है, घर नहीं दिखेगा आपको। घर की ओर से तो पीठ कर रही तुमने, वो पेड़ दिख रहा है, एक किलोमीटर होगा। वो गांव दिख रहा है, दो किलोमीटर होगा। ज्यादा से ज्यादा यही करोगे क्यों? तुम कितना भी करो, एक दूरबीन भी लगा लो तो अभी क्या दिखेगा? घर से तो पीट करी, घर दिखेगा ही नहीं। आपने अपना उपयोग बहिर्मुखी कर लिया है। जब इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का बहिर्मुखी होता है तो आत्मा कभी नहीं दिखता।
भगवान के सामने भी खड़े हो जाओगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, और नहीं तो सारे जीव भगवान दिखेंगे। ये दृष्टि का खेल है और कुछ नहीं। तुम्हें ये दिख रहा है जी बेकार आदमी, जी बूढ़ा आदमी, जी गरीब आदमी, जी फलाना आदमी, हमें दिख रहा था भगवान। अब बोलो क्या करोगे, दृष्टि का खेल तो है। तुम्हें दिख रहा है ये जंजीर है, जी कुंडल है, जी कड़ा है, जी मुकुट है, जी हार है, और स्वर्ण स्वर्णकार को दिख रहा है ये सब सोना है। ये तो मनुष्य बैठे हैं और बिचुलियां खड़े हैं, बुद्धि कहीं होंगे, विनारकी कहीं होंगे, आत्मा कहाँ है? कि इनको जिनको तुमने मनुष्य मान लिया है वो आत्मा ही तो हैं, ये सब जीव है। जिसको चींची मान लिया है वो आत्मा ही तो है। असमान जाति पर्याय से उसे हम मनुष्य कह रहे हैं, चींची कह रहे हैं, लेकिन स्वभाव से देखो दृष्टि बदल करके तो वो आत्मा ही तो है। आत्मा को इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण करने की जिद मत करो। दूसरा नंबर क्या कहा था? अरे कल ही तो कहा था भैया, कौन बहुत देर हो गई। इंद्रिय ज्ञान का अभिमान मत करो। इंद्रिय ज्ञान थोड़ा हो आपका तो दीनता मत करो, बर्बाद मत करो। लोक में अगर थोड़ी चीज हो तो बर्बाद कर सकते हैं अपन। मुश्किल से अगर रेगिस्तान में एक गिलास पानी मिल गया और कोई कह जा फेंक तो दे, फेंक कैसे दे? मुश्किल से तो पानी मिला, पीने के लिए फेंकने के लिए नहीं। तो ऐसे ही समझ लो, ये मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, मुश्किल से बुद्धि मिली है, मुश्किल से समागम मिला है, ये विषयों के लिए नहीं है, ये आत्मार्थ के लिए। जैसे धुएं के द्वारा अग्नि को जाना जाता है लेकिन अग्नि को वेदन तो नहीं किया जाता। उष्णता के द्वारा अग्नि को वेदन किया जाए, धुएं के द्वारा अग्नि को उसकी केवल सत्ता को बता देता है कि हाँ यहाँ कोई अग्नि है, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं नहीं है। ये न्यायशास्त्र की भाषा है। लेकिन अग्नि धुआं नहीं है और धुआं अग्नि नहीं है, ये और समझ लेना। अग्नि धुआं नहीं है और धुआं अग्नि है। आत्मा की सिद्धि करते हुए एक प्रश्न था, आत्मा कौन है हमारी समझ में नहीं आता। तो उत्तर का ग्रंथकार उत्तर दे रहे हैं, पूछता कौन है, ये पूछता कौन है, आत्मा कौन है ये बता, वही तो आत्मा है। ये चौकी तो नहीं पूछती मैं कौन हूं। लेकिन परमार्थ से देखो, जो पूछता है सो आत्मा है, वो तो विकल्प है। जो पूछता है वह आत्मा है क्या? जो कहता है वह आत्मा है? जो सुनता है वह आत्मा है? इंद्रियों के द्वारा देखने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला, कहने चखने वाला, स्पर्शने वाला आत्मा नहीं है। सच पूछो तो क्या अनात्मा में? अरे अनात्मा नहीं, हम कह रहे आत्मा नहीं है तो आत्मा कौन है ये पूछ दो ना। आत्मार्थी हो गई देख, क्यों भैया आपकी दुकान पर फलाने की है कि नहीं है? तो आपकी दुकान पर क्या है? आप दुकान का खोले बैठे हो, ये प्रश्न नहीं किया जाता। आपको मालूम है आपकी दुकान पर नहीं तो कहाँ मिल जाएगी? आप एक काम करो, वहां चले जाओ, वहां मिलेगी। कहते जो उस वस्तु को पूछते हैं कि दुकान में क्या है ये पूछते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो प्रवर्तता है वह आत्मा नहीं है ये कह रहे हैं। तो ये कह रहे तो इसी ऊपर उठ जाओ, आत्मा कौन है? आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। अन्य दर्शनों में गुंगे का गुड़ कह दिया, गुंगे का गुड़। वो स्वाद तो जान रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा कैसा है, गुंगे का गुड़।
तो पूछता है आत्मा कौन है कि ये बताओ पूछता कौन है, ये प्रश्न ठोक दिया उसको और समझा जी हाँ पूछता तो रात उज्जवल तो पूछता नहीं, तो इसका मतलब है जो पूछता है शुद्ध जी बोना जी। अरे किसके निकल जाने पर आप मुर्दा कहते हो और किसके आने पर आप जिंदा कहते हो? गर्व संज्ञा किस में पड़ी, किसी के आने पर पड़ी है कि नहीं? मुर्दा संज्ञा कब हो गई? कोई निकल गया, कौन निकल गया? उसी का नाम आत्मा है। ये सब स्थूल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए हुआ को की गई है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अनुभव में आना अलग हुआ, स्वानुभूतिया के कारण। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो इंद्रिय गम्य हो आत्मा का। वैसे तो देखा जाता है, श्वास से आत्मा देख लेते हैं, इंद्रियों से आत्मा देख लेते हैं, ये इंद्रियां काम कर रही, श्वास आ जाएगी तो आत्मा है, अभी जीव है, जिंदा है, लेकिन वो व्यवस्था अलग है। यहां तो स्वरूप की सिद्धि कर रहे, केवल सत्ता की सिद्धि नहीं। कोई है ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्या है वो स्वरूप तो देखो। तो आत्मा अनुमान ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाता, केवल केवल अनुमान के द्वारा भी निर्णय किया जाता है, ध्यान रखना, अनुमान के द्वारा भी निर्णय करता है आत्मा। छद्मस्थ अवस्था में व्यवहार न से, इसमें इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अनुमान ज्ञान भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि का अनुमान ज्ञान मिथ्या है, सम्यक दृष्टि का अनुमान ज्ञान सम्य। मिथ्या दृष्टि अनुमान कर बैठता है, क्या अनुमान कर बैठता है? इतने लोग लगे हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार, तो कुछ सुख तो होना चाहिए, नहीं तो ये सब काय को लगे पागल सो रही है। कैसा अनुमान करता है? कुछ सुख तो होना चाहिए। और देखो भयंकर दर्द हो रहा था और एक गोली खाई और दवा लगाई बिल्कुल ठीक हो गई, होता तो है ऐसा तो नहीं कि नहीं होता, दर्द मिट गया। वो भयंकर प्यास थी, आकुलता थी, चड़बड़ा रहे थी, और एक लोटा पानी मिल गया, बस अपने आराम से होता। आप कहते पर से कुछ होता नहीं, पानी से प्यास मिटती थी, भोजन से भूख मिटती थी, दवाई से रोग होता। अरे भैया ये सब परमार्थ की बात में कह रहे हैं, और अगर हम स्थूल दृष्टांतों में देखें तो ये बताओ चंदन से दाह मिटती है तो दाह रोग जिसको हुआ था उस राजा की दाह चंदन से क्यों नहीं मिटी? उसी रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर उसी रोग से क्यों मर जाता है? हॉस्पिटलों में मरण क्यों होता है? वे तो सब चाहे जैसे चाहे जो चाहे कुछ सब करते हैं, हजम दवाई लेते नहीं ठीक कैसे हो गए? तो हमारे ऊपर तो कह दिया तुमने, वे तो सब ले रहे, रात में दिन में सवेरे संध्या पीवे की खाएवे की सब ले रहे, वे क्यों नहीं ठीक हो जाते? जब उनकी आयु होती है तो वे क्यों मरण को प्राप्त हो जाते? जब तक साता का उदय नहीं होता तब तक वे क्यों बीमार रहते? देखो दृष्टांतों से और कुतर्कों से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। दृष्टांतों से और कुतर्कों से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। व्यवहार के द्वारा निश्चय का निषेध करने जाओगे तो व्यवहारावास खड़ा हो जाएगा, निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध करने जाओगे भूमिका के योग का तो आप निश्चयवास खड़ा हो जाएगा, और दोनों का समन्वय करने जाओगे तो अव्यावास खड़ा हो जाएगा, और दोनों का निषेध करोगे तो शून्यवादी हो जाओगे, भटक जाओगे।
कोई उपाय नहीं है, ताश उपाय न आन ज्ञान घन घन भी आवे, ये कोई उपाय नहीं है। आप ऐसे ऐसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, घर दिखाई नहीं रहा, मंदिर दिखाई नहीं रहा, क्या नहीं दिखेगा भैया? जहां है उसकी सन्मुख होगी तब देखोगी तब दिखेगा। अगर सन्मुख हो जाओ तो आप जहां खड़े हो और जितनी रोशनी है जितनी देख तो ही दिख जाएगा, और नहीं तो यहां चाहे कुछ भी आप कर लो नहीं दिखेगा। बहिर्मुखी उपयोग वाले को आत्मा कभी नहीं दिखता, और अंतर्मुख उपयोग वाले जीव को त्रियंच पर्याय में भी दिख जाता है, समझ में आ जाता है। त्रियंच पर्याय पहले चर्चा की थी, देखो अपने को आत्मा देखने वाले त्रियंच को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और अपने को मनुष्य देखने वाले मनुष्य को भी सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्याय से देख रहा है ना, कहां से होगा सम्यक, और उसे हो गया। हम कौन सी पर्याय में कहां हैं ये देखो, हमारी दृष्टि कहां है ये देखो। आप बैठे यहां हो लेकिन आपकी दृष्टि अगर इधर है तो आपकी खोट है। सीता लंका में थी और तभी शीलवती थी कि नहीं, ठीक है नहीं? राम से कितनी दूर और रावण के कितने समीप, रावण ऐसे खड़ा है और राम कितनी दूर है, लेकिन नहीं नहीं भावों में राम समीप है और रावण दूर है। राम के लिए उसने अपने हृदय में कोना कोना खाली किया है, सर्वांग में बसे हुए राम, और रावण किसी अंग में, इतनी भी गुंजाइश नहीं पैर के अंगूठे में भी रावण हो, पैर के अंगूठे तक इतनी जगह में भी रावण नहीं है। कुछ समझे हम क्या कह रहे हैं? राम के प्रति राग है लौकिक दृष्टि से, अभी रावण के प्रति द्वेष नहीं है, पैर की अंगूठी नहीं है, चुनका मैं पैर नहीं, पैर नहीं लगते, पैर से दबाने का मतलब द्वेष हो जाता है कि नहीं, अहंकार हो जाता है। पैर की अंगूठी में भी रावण नहीं, देख लो आप पोस्टमार्टम करके। राम उसके सर्वांग में व्याप्त हैं और रावण उसके पैर के अंगूठे में भी नहीं है। राम के प्रति राग है, बहुमान है, राम को सर्वस्व समझ रही है, लेकिन रावण के प्रति द्वेष भी नहीं है। राग होने की बात तो बहुत दूर है, ठीक है कर्म का उदय है, बेड़ियां पड़ी वो सब संयोग बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राग से तई तो द्वेष से ही देख ले, अरे द्वेष भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी के अंतर में उपयोग में सर्वांग में आत्मा बता है, पुद्गल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कभी नहीं है। पद्म पुराण में एक चर्चा आई, भरत ने जब दीक्षा ग्रहण की, पहले सुनाई थी आपको, भरत ने, भरत चक्रवर्ती नहीं राम के भाई भरत, भरत ने जब दीक्षा ग्रहण कर ली उस दिन राजसभा में भरत की ही चर्चा हो रही थी, भरत कैसे कोमल था, अब कैसे परिचय सहन करेगा, और किसी की नहीं सुनी, बड़ा निर्मोही था, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी, अभी रुक गया, नहीं रुका तो नहीं रुका, जिसका बैराग पक गया पर के कारण कोई थोड़ी रुकता है। रामचंद्र जी बैठे बैठे सुन रहे थे, राग तो उन्हें भी था, एक ही लाइन बोले, एक ही लाइन, दौलत राम जी ने बच्चन का में बढ़िया लिखा, एक ही लाइन बोले, भैया भरत शरीर थे तो भरत ही थे, उनका घर तो, उनका मन तो घर में कभी लगा ही नहीं, वे इतने दिन घर में रह गए ये आश्चर्य की बात है, वे चले गए ये कोई आश्चर्य की बात, ये समझ लो।
वे चले गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सहज बैरागी, सदा बैरागी, भेद ज्ञान कला जिन जागे, वे घर में रहे नहीं, चले गए, ये आश्चर्य की बात नहीं। वे घर में इतने दिन रह गए, ये आश्चर्य की बात है। शरीर और आत्मा का एक दृष्टांत दिया है। देखो, एक पिंजरा है, उसमें एक पक्षी है, एक द्वार है, और वो द्वार खुला हो तो जैसा पक्षी फुर उड़ जाएगा। जरा सा द्वार खुला मिला, यहां तो नौ नौ द्वारों में एक पिंजरा में, नौ द्वारों का पिंजरा, तमे आत्म राम। अगर रह जाए तो आश्चर्य है, निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। संसार से वैराग्य आ जाता है इन ज्ञानियों को, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार वैराग्य लाग है ही, संसार का स्वरूप ही राग करने लायक नहीं है। कौन साथ ममता करें, कौन ही साथ एक द्वे, जब दस्यो देख तो सब शुद्ध बुद्ध पर भी। संसार स्पष्ट प्रीति करने लायक नहीं है, स्पष्ट है ही बात, प्रीति करने लायक नहीं। ये जो प्रीति हो रही है वह अज्ञान के कारण हो रही है, ज्ञान के कारण नहीं। संसार प्रीति करने लायक नहीं, आपको भी प्रीति नहीं होगी भेद ज्ञान से देखोगे। ये शरीर प्रीति करने लायक नहीं, आपको भी शरीर से प्रीति नहीं होगी, निर्मम होकर के ऐसे बैठोगे जब आपको भेद ज्ञान होगा। जब अरे भेद ज्ञान तो अद्भुत बात है। अब हम क्या कहें, अभेद ज्ञान को भेद ज्ञान कहते हैं, समझ गए? वास्तव में अभेद ज्ञान को भेद ज्ञान कहते, जिस ज्ञान में आत्मा अभेदपना अपनेपना भाषित होता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में पर पदार्थ भिन्न भाषित होते हैं, तब उसको भेद ज्ञान कहते परमार्थ। अबे तो निर्णय करने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं, सब भेद विचार अलग है और भेद ज्ञान अलग है। आपको बताएं आश्चर्य की बात, केवल ज्ञानी को भी भेद ज्ञान है। सारा डोका लोग झलक रहा है, लेकिन भेद ज्ञान है कि नहीं? क्या पर द्रव्यों में अपनत होता है, ज्ञान में आए हुए पदार्थों में अपनापन होता है, कहीं सुख बुद्धि होती है कि नहीं होती? तो फिर भेद ज्ञान है कि नहीं? भेद विकल्प नहीं है, केवल ज्ञानी परमेश्वर को भेद विकल्प नहीं है। अनुभूति के काल में ज्ञानियों को विकल्प नहीं है, भेद ज्ञान तो है, और सच्चा भेद ज्ञान उसी समय है जिस समय आत्मा अभिन्नपने आत्मा अपनेपने भाषित हो रहा है, उसी समय में ये लगा चल उसका शरीर भिन्न ये कहना सच्चा है। तुम्हारा शरीर भिन्न कहने में कोई दम नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी शास्त्र पढ़ करके सुन करके शरीर को भिन्न कहने लगे, और सुन सुन करके अरे भैया कोई काउ को नहीं है, को कुछ न लाओ न ले जाओ, चाहे कितने लोग कह देते हैं इसमें क्या दम है, और फिर उसी में रचे पचे। तो आश्रय से पूर्वक शरीर को भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। आत्मा के आश्रय से भिन्न जानो, शास्त्र पढ़ करके आत्मा ज्ञानमय है ऐसा मत जानो, आत्मा का आश्रय करके आत्मा को भिन्न ज्ञानमय पहचानो। और जब आत्मा को ज्ञानमय जानोगे, अरे अज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न, तब समझ में आएगी ये ज्ञान इतना नहीं। हम इंद्रिय ज्ञान मात्र नहीं है, हम तो सहज ज्ञान स्वरूप हैं। कोई कल दृष्टांत दिया था, कल
अरे कुछ किया होगा भैया, जेब में कितने हैं ये मत देखो, तिजोरी में कितने, जेब में कितने ये मत देखो, तुम्हारी पर्याय में इंद्रिय ज्ञान है, अब क्या करें, ऐसे जी को इंद्रिय ज्ञान है, महात्मा कैसे जाने। अरे ये इंद्रिय ज्ञान कहाया जाता है, उसी ज्ञान को इंद्रियों से विरक्त करके देखो, वो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं तुम्हारा। और सुनो, ये इंद्रिय ज्ञान भी तुम्हें आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए है, इन परमात्माओं को देखने के लिए है। ये आंखें देखने के लिए मिली हैं, देखने के लिए ना, गलत, चाहे कुछ देखने के लिए नहीं, चाहे जैसे देखने के लिए नहीं। ये आंखें मिली हैं वितरागता को देखने के लिए, वितरागी छवि को देखो। ये कान मिले हैं जनवाणी सुनने के लिए, ये हाथ मिले हैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, गुरुजनों के चरण स्पर्श करने के लिए हाथ मिले, दान देने के लिए, भैया भक्ति के लिए, विनय के लिए हाथ मिले। चाहे किसी के लिए नहीं मिल गए, कौन पांगुले पांव समेत। बुद्धदास जी ने पार्श पुराण में माता और देवियों के संवाद में लिखा है, हे माता, देवियां पूछ रही हैं, हे माता, कौन पांगुले पांव समेत। पांगुला तो उसको कहते जिसके पांव नहीं हो, पांव होते हुए पांगुला कौन है। तो माता उत्तर देती है, कौन पांगुले पांव समेत जिन तीरथ पर से नहीं है। इन पांव से तीरथ तो करे ही नहीं, दोनों तीर्थ तो कभी गए ही नहीं। लंबी भुजा कौन करहीन, लंबी लंबी भुजाएं हैं और करहीन है। अरे भुजा रहित हैं और भुजा रहित, फिर लंबी भुजाएं ये दोनों कैसे हो सकती है। क्या लंबी भुजा कौन करहीन, पात्र दान जिन कभू न दी। इन्होंने पात्र दान नहीं दिया, वे लंबी लंबी भुजाएं ऐसे होती हुए भी वे करहीन है। अब बताओ, हम दान का निषेध करेंगे कि दान की प्रेरणा कर रहे, क्या कर रहे बताओ। अध्यात्म में से दान कर रहे, लेकिन दान करने की विधि है, दान करने योग का विवेक है। हम ये थोड़ी करें इनको पानी मत पिला, लेकिन पूजा करते करते पानी मत पूछने लगो, भैया पानी पी लो तुमने। अरे पीला होए नहीं पीला होए, पीला वहां रखा, हमें क्या लेने है। यहाँ तो हम भगवान की पूजा करने खड़े हो गए, खत्म, हम और भगवान हमारे, बस खत्म, तुम बीच में नहीं हो, हम और भगवान, भगवान से बड़ी नहीं। जब घर आओगे तो कह देंगे भैया पानी पियो, ये हम मंदिर में नहीं कहेंगे, हम खत्म हो गई बात। पहले भी कह चुके, कई बार कह चुके, आप अपना धर्मादा अलग निकालना सीख लो, नियम बना लो, और उतना पैसा दान में लगाना ही है। सबसे पहले अपने लिए खर्च करो, भोगों के लिए नहीं, अपने लिए, काय के लिए, अपने लिए खर्च करो, माने अपना शेष जीवन धर्म ध्यान में लगाओ, उस पैसे के बल पर निश्चिंत रहना, तुम्हें पस्ती के बल पर रहो। चलो, हमारी राय हो गया, हमें अपने धर्म ध्यान करेंगे, हम व्यापार में मत लगे रहो, फिर कह रहे हम तुमसे मर जाओगे, कुमरण हो जाएगा, किसी सोच भी नहीं पाओगे और चले जाओगे, यहां की तरह धरा रह जाएगा। अपने घर कुटुंब में जो साधर्मी हैं, दीन दुखी हैं, उनके लिए कर करो भैया जी। हमने कई उदार सेठों को ऐसे देखा, नौकरों को ली, भैया तू कैसे मकान बना पाए, तू ये मकान बना दिया, उसको भी जमीन ले दी, मकान बना दिया,
अब वो कौन कह रहा है, सेठ जी हमारे ऐसी दे मकान दे गए हमें, सेठ जी चले गए और मकान उसको दे गए, नौकर तक को, उसकी भी इच्छा है जिसने आपको जीवन भर सेवा की। जिस मोहल्ले में आप रह रहे, जिस नगर में रह रहे, उसके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। देश में रह रहे, देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। सड़क बनना चाहिए और टैक्स नहीं देना चाहिए, ये सड़क कैसे बनेगी बताओ? सड़क तो बन जाना चाहिए तो आपको टैक्स क्यों करना है? कर्तव्य की झोली में अधिकार रखो, ये आपके लौकिक कर्तव्य है। ऐसे ही एक हिस्सा आपका यहां भी है, यहां भी है, ये बपौती नहीं है। आपको 20,000 50,000 मिल रहे हैं, मान लो 45,000 मिल रहे होते तो ये नौकरियों वालों की भाषा में बोले वो छठवां वेतनमान लागू नहीं हुआ था तब तुम जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? तुम यही सोच लो पांचवा ही वेतनमान हमारे लिए, छठवां हमारा धर्म के लिए, खत्म हो गई बात। दैनिक वेतन भोगी है दैनिक के तो दैनिक खर्च करना चाहिए, मासिक वेतन भोगी है तो मासिक खर्च करना चाहिए। नाम क्या बढ़िया लिखा है, वेतन शरीर पर कम खर्च करो, वेतन शरीर पर कम से कम। वो इशारा कर लो भाई, पिताजी ने मंदिर बनवाया, जीर्ण भी होगा, उसका जीर्णोद्धार भी कराना होगा। खजुराहो में उस मंदिर पर शिलालेख लिख दिया, हमने नहीं पढ़ा, अभी सुना है कि जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा हम उसके दासानुदास रहेंगे। उसने भावना प्रकट करी, अरे तुम्हारे गांव में वो कैसे लिख गए थे, क्या एग्रीमेंट लिख गए थे, हमने ये जायदाद लगा दी है, इसकी आमदनी से ऋषभ जयंती मनाई जाए, हमारे लड़के नहीं मनाए तो बड़े मंदिर की पंचायत मनाए, बड़े मंदिर की पंचायत नहीं मनाए, अगर मना सके तो सारी नगर की पंचायत जैन पंचायत मनाए, और सारी जैन पंचायत नहीं मिले तो जैन अजैन की पंचायत मनाए, नहीं तो कलेक्टर मनाए। ये मेला बनता रहा हमारा, बना रहे, बोलो लिखी कि नहीं, तुम क्या लिख के जाओगे ये सोचो। नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारा नहीं है, और है तो उसका सदुपयोग कर लेने की जरूरत। आज हमारी दुकान पर 5 रुपए भी नहीं आए, कोई बात नहीं, बढ़िया नहीं आएंगे। आज हमारे पास 50 आ गए, उसमें 5 अलग करना, ये मत करो कि 5 अलग नहीं करना। और वे आप लगाओ ही लगाओ जहां आपका अनुराग है, अपने गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाओ, गांव की पाठशाला में लगाओ, वहां से बचे तो तीर्थों में लगाओ, बहुत बचेगा, बहुत लगेगा। हम फिर कह रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं, अगर न 5 गुना लगने लगे तो हमसे कह देना। अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हैं तो न 5 गुना लगने लगे तो हमसे कह देना, लेकिन लगेगा और ऐसे लगेगा दोनों पुण्य मानेंगे। वाह, दोनों पुण्य मानेंगे, और नहीं तो दोनों पाप मानेंगे। इनका देने न देने का मन है, लगने जाएगा, और हमारा खींचने का मन, मुश्किल से चुंगल में आ पाए तो इन पर ले ली। और इनका देने का मन नहीं, अब बताओ क्या करेंगे? याचना में 5 व्रतों का निषेध लिखा है, पंडित रमल जी ने, बोलो लिखा कि नहीं? याचना करने में 5 व्रतों का भंग हो जाता है, इसलिए याचना नहीं करना चाहिए। और देखो सुनो, याचना नहीं करना चाहिए इसका अर्थ क्या, हम आपको क्या बता रहे, कल भी थोड़ा सा बता दिया था, याचना नहीं कराना चाहिए, याचना करना नहीं चाहिए, याचना नहीं कराना चाहिए। हम आपके घर चल रहे
और पानी नहीं मांगेंगे तो पानी नहीं पिलाओगे भाई, पानी मांगेंगे नहीं हम तो पानी नहीं पिलाओगे, हम कमरा मांगेंगे नहीं तो कमरा नहीं देंगे रुपये के। अरे आपके घर आ गए, अब आप सोचो रोटी नहीं मांगे तो रोटी नहीं खिलाओगे क्या? आपने रोटी कहाँ मांगी, पानी कहाँ मांगा, चाहिए तो मांग लेना। अरे ये बात भी योग्य व्यवस्था करने की बात कहोगे, पंडित जी जरा आज हमें ना काम है जरूरी और बच्चा है, आपको कोई चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, संकोच मत करना, वो भी देना सिखाओगे। लेकिन सारी देने लायक दे करके उसके बाद कहोगे, कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो आप। अरे पूरी थाली लगाने के बाद और भैया और कचरा है, खाली थाली रख करके तो कोई नहीं कहता और कचरा है। धर्मायतनों में खाली हाथ आना भी नहीं और खाली जाना भी नहीं, मतलब ये इतने चावल पकड़ ला के नहीं है, कुछ लेकर के आना, भावनाएं लेकर के आना, भक्ति लेकर के आना, समर्पण लेकर के आना, और जाओ तो सत्य ज्ञान लेकर के आना, निश्चिंता लेकर के आना, प्रसन्नता लेकर के आना। एक ठेला वाला भी ठेला में माल लेकर के जाता है गांव, और जब उसका माल बिक जाता है वो खाली आता है तो किसी घोसी का सब माल बिक गया, सब माल बिक गया, खाली हो गए, कितने खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारी सब जेब खाली हो गई। सच कह रहे, सच कह रहे, ये बात झूठी नहीं कह रहे, सब जेब खाली हो गई भाई। वाह, खाली जाना मत, खाली होकर के जाना, लेकिन छोड़ने लायक छोड़ोगे कि चाहे कुछ छोड़ दोगे? ये तो हम उपदेश आपके लिए देंगे, इसको यहीं छोड़ जाओगे? ये उपदेश लेकर के जाना, ये अहिंसा लेकर के जाना, ये अयाची के व्रत लेकर के जाना और मोह छोड़ करके जाना, राग छोड़ करके जाना, द्वेष छोड़ करके जाना, कई जगह मानसिक कमजोरी को व्यंतर मान बैठते, मानसिक कमजोरी और शारीरिक कमजोरियों को व्यंतर मान बैठते, वो कुछ व्यंतर है, वो फलानो है। कई बार रोग होते हैं और व्यंतर मान बैठते, हम ये नहीं कह रहे व्यंतर नहीं होते। एक बार का प्रसंग मन रहा, बैठ गए तो अपना वहां वो झूमने झटकने वाले बैठे, देखो भैया हाँ तुम्हारे घर कोई छज्जा लगा था और कोई मर गया है, बस वो ही परेशान कर रहा है। तो हम कहने का आगे होता, करना क्या है कि अब और तो तुम कुछ करोगे नहीं, चंद्र प्रभु की जाप देव करो। तो हम वो तो देते ही, हम कार मंत्र की जाप देव करो, वो तो हम देते ही। अरे नहीं ऐसा नहीं, हमारा कष्ट दूर हो जाए इसलिए। हमने की हमारी माँ ऐसी नहीं थी जब रोए तब दूध पिलवा। धर्म का फल मांगने पर नहीं मिलता, बिना मांगे ही मिलता है। बिन मांगे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दें, जाचे सुरत दिए सुख, सही है कि गलत है? अरे जाचे सुरत दिए सुख, ये सही है कि गलत है? सही है। अगर सुरतर के सामने, कल्प वृक्ष के सामने जितना पुण्य नहीं है उसको मांगने लगे तो मिल जाएगा क्या? हम उससे कहेंगे हमें सम्यक दर्शन दे दो, हमें मोक्ष दे दो, वो देगा नहीं देगा? चिंतामणि पारस कल्पतर, जो कुछ भी ये कहे जाते हैं वे पुण्य के उदय के अनुसार उतनी ही सामग्री देने में समर्थ हैं, ज्यादा नहीं देंगे। बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल हो गए, तुम्हारे यहां कुछ मिलते नहीं है, हमारे यहां तो ऐसा मिलता है तुम सोच भी नहीं सकते। इतना मिलता है निहाल हो जाओगे जीवन में, मांगना भूल जाओगे। एक बार एक फक्कड़ आदमी, उदार आदमी सड़क से जा रहा था, एक बुढ़िया आई, बेटा एक रुपया दे दे, वो एक पैसा दे दे, पुरानी बात है, एक पैसा दे दे।
अब तुमने बेटा कहा और एक पैसा मांग रही हो, मां अगर तुम्हें एक आना दे दें तो कब तक नहीं मांगोगे? तो बेटा चार दिन तक नहीं मांगेंगे, और एक रुपया देंगे तो कभी नहीं मांगेंगे, तो ले एक रुपया, कभी मत मांगना। जब तुमने बेटा कहा है तब हमारी माँ होकर के भीख मांगे, ये बताओ तुम कभी नहीं मांगोगे ये तो कहोगे? अगर तुम्हें एक पैसा दे दें तो आज नहीं मांगेंगे, एक आना दे दें चार दिन नहीं मांगेंगे, और एक रुपया दे दें तो कभी नहीं मांगेंगे, तो फिर ले खत्म। अरे हमारे भगवान देते नहीं, मांगना छुड़ाते हैं। आत्मा और रत्नत्रय भीख में मिलने वाली वस्तु नहीं, रत्नत्रय अंतर्मुखी उपयोग से ग्रहण करने योग्य है, और रत्नत्रय भैया क्या करें, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने योग्य है। अलग अलग नहीं है, विवक्षा भेद है। आत्मा अनुमान से भी जाना जाता है, अनुमान करो, अनुमान भी किया है हमारे आचार्यों ने, इनकी मुद्राएं बता रहे हैं, ये दुखी है। सुखी मुद्रा तो ये है, अगर दुखी मुद्रा है, दुखी नहीं है तो ये ऐसे काय को बैठी है, ऐसे काय को बैठी है, फिर ऐसे कैसे हो जाते हैं, ये अदल बदल काय को कर रहे हैं, ये आसन क्यों बदल रहे हैं, ये वो आज तो कचौड़ी बना रोटी तो रोज खाते हैं, ये क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है दुखी है, इसका मतलब है दुखी है। सुखी की मुद्रा ये होती है, सुखी की कर्तव्य नहीं होता, हाथ पे हाथ धरी बैठे, सुखी की मुद्रा ये होती है। आप झूठी कह दो हमसे सुखी, हमें तो कोई तकलीफ नहीं, सब आराम, सब तकलीफ, हम विश्वास नहीं करेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं। शिष्टाचार से व्यवहार से आप भले कह दो इंद्री सुख को सुख, लेकिन नहीं हम ये सुख नहीं है, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। तकलीफ क्या है, आप जा क्यों रहे हो? कि तकलीफ ये है, ये घर हमारा नहीं हो सकता, ये देह हमारी नहीं हो सकती, ये परिग्रह हमारा नहीं हो सकता, ये भोग हमारे नहीं हो सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। रूठ के नहीं जा रहे, गुस्सा होकर के नहीं जा रहे, शर्त से नहीं जा रहे, तुम सब मानो तो तुम रात में खाओगे हम नहीं कर रहेंगे, हम तो जा रहे अपने चित पर रहेंगे, नहीं इसलिए नहीं, विरक्त होकर के जा रहे, आत्म कल्याण के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए नहीं, अपने परिणाम को सुधारने के लिए। कभी कभी ऐसे तो कह देते हम नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, तुम सब रात में खा रहे तो हम क्यों, हमें नहीं रहना। अरे तुम रात में नहीं खाओ अपने हित के लिए, ये शर्त नहीं है हमारी कि हम तुम रात में खा रहे कि दिन में खा रहे, कि हमें अपने कल्याण के लिए, जो विरागी होकर, इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे कि घर गृहस्थी में ऐसी बातें मत करो, करो अपने प्रभाव का भी उपयोग करो सुधारने के लिए, वो सब हो सकता है। एक बाबू जी थे बूढ़े बेचारे 70 वर्ष के, नाती का विवाह था, बाबू जी आपको चलना है बारात, और इच्छा नहीं बराती उसी गांव की, उसी गांव आपको चलना है, भैया हम नहीं आएंगे। अरे बाबू जी कैसे नहीं आओगे आप, कोई क्या कहेगा आपके बिना, क्या अच्छा लगेगा? देखो बेटा बाल बच्चों की व्यवस्था अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है, हम नहीं जा पाएंगे। नहीं बाबू जी आपके हिसाब से होगी, और कोई नृत्य वृत्य नहीं होंगे सड़कों पर, कोई कुछ नहीं होगा, आप चलो। बाबू जी ने कहा चलो, ये चल दिए, और जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे थोड़ी देर दूर, और लड़के के दोस्त वो नचने लगे, और बाबू जी ने ऐसे देखा सो अपनी छड़ी फेरी और उल्टे हो गोबर घर की ओर चलने लगी। अब वहां घबराए, हे बाबू जी गए, बाबू जी गए, और वो लड़का बेचारा, बाबू जी आप कहाँ चले, आप कहाँ चले, अब गलती हो गई, वो बच्चे नहीं माने। अच्छा हम बेटा कछु कह रहे हैं तुमसे, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हमारा समय नहीं है, नहीं करो।
उस 50 वर्ष की लड़की ने टोपी उतार के रखी पांव पे, बाबूजी तो हम ये नहीं करे, आप प्रभाव का उपयोग मत करो, ये मत कहो कि हम अपने घर से, लेकिन सांसी कहना झूठी नहीं, केवल उनको सुधारने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको मनवाने के आग्रह से मत कहना, तैयार रहना। वास्तव में फिर निकल आना, ठीक है अब तुम सुनाओ, वास्तव में निकल आना से, फिर एग्रीमेंट एडजस्टमेंट मत करना। पहले से ये सोच लेना ये नहीं मानेंगे, हमें मानना है, धुआं अग्नि का आत्मभूत लक्षण नहीं है, धुएं से अग्नि को दूर से देख करके ये तो सत्ता सिद्ध कर ली जाती है कि अग्नि है, लेकिन अग्नि अलग है, धुआं अलग है, ऐसे ये विकल्प अलग हैं। हम ये कह रहे हैं इन शास्त्रों को आचार्य भगवंतों ने अनुमान अनुमान से नहीं लिखा है, स्वानुभव पूर्वक लिखा है, और केवल तुम अनुमान अनुमान मत करते रहो, स्वानुभव से प्रमाण करना सीखो। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमाता मात्र नहीं, मात्र सब लिखा है कि नहीं? तो महाराज नहीं है, नहीं है कह रहे हो, है क्या कि आत्मा प्रत्यक्ष जाता है। कैसी सुंदर चर्चा है, कहां समय खो रहे हो विकथा में, प्रमाद में, स्वाध्याय करो। जिनवाणी में बहुत कुछ है, अरे जिनवाणी में सब कुछ है, सारी संस्कृति विश्व की है, सब विद्या ईश्वर बनो। जिनवाणी में जो नहीं है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, और जिसकी तुम्हें जरूरत है वो सब तुम्हारी जिनवाणी में। ये व्यवहार नहीं थी, निश्चय थी आत्मा, जो आत्मा में है उसी की तुम्हें जरूरत है, जो आत्मा में नहीं है उसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, जो आत्मा में नहीं है उसकी तुम्हें जरूरत भी नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो आत्मा में है। क्या नहीं है आत्मा में? ज्ञान है, सुख है, प्रभुता है, बल है, सामर्थ्य, सब बताओ क्या नहीं है, और जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। आत्मा पर का कर्तत्व नहीं है, के पर के कर्तत्व की जरूरत भी नहीं है, भारी करता है तुम्हें, बोझा करता है, दुखी करता है पर का कर्तत्व। पर के कर्तत्व की जरूरत भी नहीं है, अगर तुमने भ्रम से मान लिया है आत्मा ज्ञान के बिना, तो भाई आत्मज्ञान पूर्वक पर का कर्तत्व छोड़ दो, विचार न। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, हयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, हयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज निधि निज निधि।